तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहते हैं। कि ये कहते हैं कि बेसिकली कि एक कार है और मूविंग ऑन ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन ए हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक। मतलब ये जो सर्कुलर ट्रैक है वो हॉरिजेंटल है, ऐसा कुछ सर्कुलर ट्रैक है, और इस पर एक कार चल रही है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी कार है, ठीक है, आई होप कि तुम BMW ले लो। तो ये यहाँ से ये तुम्हारी कार है, ऐसे हॉरिजेंटल में जा रही है, तो ये कार इस मोड़ पे हॉरिजेंटल रोड पे मुड़ेगी, समझ रहे ना। तो इसके अंदर तुम देखोगे सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो 40 मीटर है। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ए बॉब सस्टेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाई ए मासलेस स्ट्रिंग, एंगल मेड बाई द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। अब हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक है, तो जब ये मुड़ रही है, अब देखो मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, जब कार सीधी चलेगी, जब ये कार सीधी चलेगी और स्पीड कॉन्स्टेंट होगा, तो वर्टिकल से एंगल ये कार, समझ रहे ना, ये कार अगर सीधी जा रही है, दिस कार इज मूविंग इन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम वो हमेशा वर्टिकल से 0 डिग्री पर रहेगा। द वर्टिकल से दिस वर्टिकल, तो वर्टिकल से हमेशा 0 डिग्री पर रहेगा, थीटा इज जीरो अलोंग द वर्टिकल। चाहे स्पीड कितना भी कर लो ना, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लो, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लो, 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लो, तो ये वर्टिकल से, जब तक एक्सलेशन इसका जीरो है, ठीक है, तब तक ये वर्टिकल से कोई एंगल नहीं बनाएगा अगर सीधा रोड पर है, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम एक्सलेशन नॉन जीरो दे दोगे, ठीक है, तो वैसे ही ये पेंडुलम ऐसे हो जाएगा, वर्टिकल से सी थीटा डिग्री पर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, सूडो फोर्स की वजह से। तो ये हमारी कहानी तब तक सीधा रहेगा जब तक ये वर्टिकल से जो है 0 डिग्री पर रहेगा। लेकिन जैसे ही मोड़ पे मुड़ेगा, तो इस पेंडुलम पे सूडो फोर्स बाहर की डायरेक्शन में इधर लगेगा, समझ रहे। मोड़ पे पेंडुलम, मोड़ पे जो पेंडुलम है पहले ऐसे सीधा था, लेकिन मोड़ पे मुड़ते वक्त इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर बाहर की डायरेक्शन में लगेगा। तो ये सिंपल पेंडुलम कार की सेलिंग से ऐसे थीटा डिग्री पर रहेगा, समझ रहे ना, ये एंगल थीटा डिग्री। तो इसी थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। कुल मिला के अगर तुम देखोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो अगर गाड़ी इधर मुड़ रही है, तो ये सिंपल पेंडुलम यहाँ नहीं रहेगा, और ये कुछ ऐसे है सिंपल पेंडुलम, तो ऐसे इधर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका सामने से मैं देख रहा हूँ 2D व्यू। थोड़ा सा रुक के सोचो, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर, अरे भाई इधर यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा ये फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² / r इधर लगेगा, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv² / r, वो इधर लगेगा, टेंशन स्ट्रिंग में टी इधर लगेगा, गाड़ी के फ्रेम से ही देख रहा हूँ, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब इसका एक कंपोनेंट तुम देखोगे, ठीक है, अगर मैं इसी के फ्रेम से देखूंगा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी तो थीटा होगा, तो इसका टेंशन का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा इधर आया, और टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आया, जिसका नाम रखूँ मैं T sin θ। तो T sin θ और T cos θ और mv² यही सारे मिलके इसको पेंडुलम को बैलेंस करके रखेंगे। बात आ रहा है समझ में मेरे भाई। तो यहाँ से तुम देखोगे तो बेसिकली, अब तो सबसे पहला जो इक्वेशन ये बना कि T cos θ ने वेट को बैलेंस किया होगा mg, और T sin θ ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² / r को बैलेंस किया होगा। तो यहाँ से तुम देखोगे, अब डिवाइड कर दोगे, सेकेंड में से फर्स्ट में डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू वो आ जाएगी v² / r g, v² / r g। इसका मतलब स्पीड जो है वो 20 था, तो 20 × 20, और रेडियस कितना था 40, और ये × 10, तो 2 0 ने 2 0 को कहा गया, और 4 ने 4 को कहा गया, तो 1। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, मतलब π/4। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि आपको मजा आ गया होगा समझ के। तो π/4 मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। पीडीएफ देखो, पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में है और उसको डाउनलोड कर लो। उसके जो भी पढ़ाया हूँ मैं, उसका मैं पीडीएफ बना देता हूँ और पूरे मतलब अपने बच्चों और दोस्तों के साथ वो पीडीएफ बड़े आराम से शेयर कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो उनसे भी।